वेलकम बैक टू शाइनशी, आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसा सीरम शेयर करने जा रही हूँ वो यूज करने से आपकी बढ़ती हुई उम्र की प्रॉब्लम कम होगी साथ ही आपके फेस पर झुर्रिया झाइया ब्लैक हेड्स खत्म हो जाएंगे अगर बढ़ती उम्र की वजह से आपकी स्किन भी सुकड़ने लगी है तो आप इस सीरम को ट्राई कीजिए और इससे आपकी स्किन हेल्दी ग्लोइंग और ब्यूटीफुल बनी रहेगी तो आइए चलिए देख लेते हैं इसको बनाने का तरीका इसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत होगी एलम पाउडर यानी फिटकरी की ये एक ऐसा व्हाइट कलर्ड स्टोन इंग्रेडिएंट होता है जो हमारी स्किन से फाइन लाइंस, झुर्रिया झाइया पिंपल्स, ब्लैकहेड जैसी प्रॉब्लम्स को गायब कर देता है यहाँ पे हमें एक छोटा सा पार्ट फिटकरी का लेना है और इसको कूट लेना है जिससे हम इसका एक अच्छा सा फाइन पाउडर बना सकें ये एक्ने और पिंपल्स को तो ट्रीट करता ही है साथ ही हमारी स्किन को नेचुरली ट्राइट भी बनाता है यहाँ पर हमने इसका एक अच्छा सा कूट के पाउडर बना लिया है फिटकरी में एस्ट्रोजन प्रॉपर्टी होती है जो हमारी स्किन के सेल्स को श्रिंक करती है साथ ही फेस के एक्सेस ऑयल को भी रिमूव कर देती है बाद हमें यहाँ पर इसका अच्छा सा फाइन पाउडर बनाना है जिससे हमें मिक्सिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम इसको एक बार छान लेंगे और छानने के बाद हमारा ये फाइन पाउडर बनके तैयार है इस पाउडर को आप कभी भी बनाकर रख सकते हैं इससे आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी साथ ही आप इस पाउडर के हेल्प से अपने फेस को वॉश भी कर सकते हैं ये पाउडर एक अच्छे फेस पैक साथ ही एक अच्छे एक्सफोलिएटर का भी काम करता है अब मैं आपको एक ऐसा पाउडर बताऊंगी जिसको आप बनाकर छः से सात महीने तक रख सकते हैं और जब भी आपको सिरम बनाना हो आप इसका यूज़ कर सकते हैं आप चाहें तो इस प्रोसेस को इंस्टेंटली भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए हमें सबसे पहले दो चम्मच फिटकरी का पाउडर यानी एलम पाउडर की ज़रूरत होगी फिर हमें चाहिए होगा सेंधा नमक उसको हम दो चम्मच के रेशियो में ही डाल देंगे और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक चम्मच ये रॉ पाउडर की जरूरत होगी इसके बाद हमें यहाँ पर जरूरत होगी रोज़ वाटर की तो यहाँ पर हमें एक से डेढ़ चम्मच रोज वाटर का यूज करना है जितना हम इसमें ऐड करेंगे जितना हमको पतला हमारा यहाँ पर सिरम चाहिए इसमें रोज़ वाटर को ऐड कर दीजिए इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए अब हमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो ऐड करना है वो है एलोवेरा जेल तो एलोवेरा जेल हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है इसके बाद हम इसका अच्छे से जेल निकाल लेंगे आप चाहें तो इसको, इसको स्पून की हेल्प से निकालेंगे तो इसकी कोई भी क्यूब्स भी नहीं आएंगे साथ ही एक बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में अच्छी तरीके से निकल जाएगा यहाँ पर मैंने एलोवेरा जेल को निकाल लिया है आपकी इरिटेटेड स्किन को भी हेल्प करेगा स्मूथ बनाने में सॉफ्ट बनाने में साथ ही आपकी स्किन इरिटेट भी नहीं होगी अब इस आप इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए इसको मिक्स करने के बाद आपका ये सरम फॉर्म का तैयार हो जाएगा लेकिन यहाँ पे हमारा ये थोड़ा स्टिकी है थोड़ा जली है इसके लिए हम इसमें ऐड कर देंगे रोज़ वाटर जिससे थोड़ा और पतला बन जाए और एंड में हम इसमें ऐड करेंगे हनी हनी यानी शहद हमारे स्किन से ब्लैक एंड वाइट एड्स को निकालने के साथ जो हमारे स्किन पर पिंपल्स रखने के बाद जो छोटे छोटे स्पॉट्स बन जाते हैं या फिर अनपैच हो जाते हैं उस स्किन को ये रिकवर करता है साथ ही हमारे स्किन को इवन टोन बनाता है इस सिरम में सारी ही ऐसी चीजें हैं जो आपकी स्किन को स्मूथ ब्यूटीफुल बनाएंगी इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और यहाँ पे आपका सिरम बनके तैयार हो जाता है आप या तो इसको ऐसे लगाइए और इसको स्टोर करने के लिए आप चाहिए तो किसी स्प्रे बॉटल में या फिर नॉर्मल ड्रॉपर बॉटल में भी डाल के इसको यूज़ कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर मैं इसको इस बॉटल में डाल देती हूँ इसको अच्छे से लगाने से पहले शेक कर लीजिए और इसके बाद आपको ज़रूरत होगी कि किसी कॉटन पैड की या फिर आप कोई भी कॉटन बॉल ले सकते हैं इसको लगाने के लिए लगभग एक हफ्ते तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं ये जल्दी से ख़राब भी नहीं होता है साथ ही आपकी स्किन को ये बहुत ही ज़्यादा चमकदार बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देगा आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर किस तरह से कॉटन पैड के ऊपर ये डाल लिया है और इसके बाद मैं अपने हैंड पर इसको रब कर लूँगी इस सिरम को आपको अच्छे से रब करना है और इसको अपने फेस पर हैंड पर दस मिनट के लिए छोड़ देना है दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे आप देख सकते हैं मेरी वीडियो सबसे पहले और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी और आपको उसके नोटिफिकेशनस मिलते रहेंगे दस मिनट के बाद आप अपने हैंड को धो सकते हैं और आपकी स्किन बिल्कुल चमकदार निखरी हुई निखार नजर आएगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना हो या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और इसके रिजल्ट्स आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में तो मैं आपसे ऐसी ही अगली किसी और अमेजिंग और बेस्ट वीडियो में तब तक के लिए बबाए